हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ, इसको अप्लाई करने के बाद आपके पास और आपके पूरे टीममेट के पास जॉम्बी आएंगे ही नहीं। वो लोग आसपास रहेंगे बट आपको देख नहीं पाएंगे, आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे रहेंगे। और ये ट्रिक आपकी पूरी अप्लाई होगी रात के टाइम में, और ये आप बहुत सारे जगह पर कर सकते हो पूरे मैप पर। मैं आपको प्रूफ भी दूँगा और ये गेम प्ले आप देख लो, हल्का छोटा सा गेम प्ले है, तो आपको फुल नाइट तक मैं सर्वाइव करके बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक तो ज़रूर करना, क्योंकि आज की ये वीडियो वाकई कमाल होने वाली है। वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी होता है। तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो इस टाइप के बिल्डिंग में। मैं ये ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ फ़िलहाल अभी रॉजॉक में, बट इस टाइप का बिल्डिंग आपको बहुत सारा जगह मिल जाएगा। आपको बिल्कुल इसी जगह पे आना है और दरवाजे को बाहर की तरफ खोल के यहाँ पे रात होने से पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। और आपका जो कि ये दरवाज़ा का पूरा एरिया है, आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना। और अपने दूसरे टीममेट को भी उस तरफ के दरवाजे पे भेज देना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरा टीममेट उस तरफ है, बिल्कुल इसी तरह से है। अगर आप चार बंदे हो तो दो बंदे इधर और दो बंदे उधर जाना। और आपका ये जो एरिया है, जो कि दरवाजे का एरिया है, आपको इससे बाहर नहीं जाना चाहे कुछ भी हो जाए। मे भी हरे वाले जॉम्बी कभी कभी उछल के बाहर से आ जाए, या फिर पॉइजन वाली थूक फेंकने वाले जो कि जॉम्बी हैं वो आपको बाहर से कभी अटैक कर सकते हैं, बट इसका चांस नहीं है, रेयर केस में ही ऐसा होगा। आपको यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं आना। तो अब भाई लोग, आप लोग देख लो कि मैं यहाँ पे पूरी रात स्पेंड करने वाला हूँ। ये फास्ट फॉरवर्ड में है ताकि ये ज़्यादा आसानी से आप देख पाओ पूरा वीडियो। और इसके बाद मैं सेकेंड नाइट का भी बताऊंगा, वो थोड़ा मुश्किल होता है, बट वहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आप बाहर निकलते हो तो क्या होता है। बट पहला आप फर्स्ट नाइट वाला देख लो कि यहाँ पे मुझे एक भी जॉम्बी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आने वाला। और सेकेंड नाइट में मैं आपको और अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँगा। और वीडियो को स्किप मत करना, आपके लिए बेटर है। मैं ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, मैंने कर दिया है ये, और फिर देखो आप कैसा है फर्स्ट नाइट हमारा। अगर किसी का ये ट्रिक सही से काम नहीं करता तो वो कम से कम अपना ट्रिक को तीन बार आजमा के देख लें, फिर कमेंट सेक्शन में आके गाली दें, ये बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने ये बहुत बार अप्लाई किया हुआ है। बट आपको रात होने से पहले यहाँ पे आ जाना है और इस डोर वाले एरिया से आपको बाहर नहीं जाना। तो आप सब देख पा रहे हो कि बाहर से कुछ जॉम्बी दौड़ रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, और हमारा कोई टीममेट नहीं है जो कि बाहर उसको मार रहा है। आप देख सकते हो ऊपर बस दो ही नाम है। यहाँ ये सुबह हो गई, और फिर मैं अभी आपको नीचे ले जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कोई जॉम्बी अभी है या फिर नहीं है। आप यहाँ पर देख लो, मे बी ये यहाँ पर काफ़ी जॉम्बी होंगे। देखो वो सब जॉम्बी हैं, बट अभी दिन हो गया तो वो नहीं आए। अगर आप रात में इस तरह बाहर आओगे तो सारा का सारा जॉम्बी ऊपर आ जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले से मार लूँ। और अभी देखो यहाँ पे बाहर काफ़ी सारे जॉम्बी हैं। और अभी मैं आपको सेकेंड नाइट का क्लिप दिखाता हूँ। देखो हम सब फिर से यहाँ पे आ गए हैं, ये सेम मैच का है, सेकेंड नाइट है। और देखो अभी उधर वाला जो कि टीममेट है मेरा, वो जब बाहर आएगा वहाँ से, तो देखना सारा का सारा जॉम्बी दौड़ के आ जाएगा। अगर कभी बाय चांस ऐसा कुछ होता है, देखो वो बाहर आया और अभी देखना सारा जॉम्बी आ जाता है। तो देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुत्ते आ रहे हैं, और वो रेड आँख वाले, चूँकि येलो आँख वाले थे जॉम्बी, वो आ रहे हैं। तो मतलब ये हमारा सेकेंड नाइट है, और देखो और भी बहुत सारे बड़े बड़े जॉम्बी आएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर कभी जॉम्बी आ भी जाते हैं, उसे लूट चाहिए थी तो वो पहले बाहर आया, बिकी है मेरा फ्रेंड है, वो बाहर आया क्योंकि उसे लूट चाहिए थी ताकि मैं जॉम्बी मारूं, और फिर जॉम्बी ऊपर आए, कुछ जॉम्बी ऊपर आए ताकि मैं उसे मारूं और वो लूट ले। तो यहाँ पे देखना वो फिर से बाहर आया और फिर ये सब हो रहा है। तो अगर कभी आप मरने के कंडीशन में हो तो थोड़ा पीछे आना। देखो ये वाला जॉम्बी तो सेकेंड नाइट में ही आता है, ये तो आपको पता ही होगा, तो कोई यहाँ पे मैं चीटिंग नहीं कर रहा। और अगर जैसे कि अभी मेरा लाइफ कम हो गया, तो आप आराम से इस तरफ आओ और डोर को क्लोज़ कर दो और तुरंत हील करना, ऐसा आप कर सकते हो, बट आपको इससे बाहर नहीं निकलना। और देखो मैं अभी आपको यहाँ पे, जब यहाँ पे दिन होगा तो मैं नीचे ले जाके दिखाऊंगा, और देखना आप नीचे में हमारा कितना सारा जॉम्बी वेट कर रहे हैं। देखो मैं अभी बाहर आया तो पक्का कोई ना कोई आएगा, क्यों नहीं आया। अच्छा मैं अभी आपको बाहर थोड़ा सा जाके दिखाऊंगा, पहले थोड़ा रुक जाते हैं, सारा कुछ इधर अभी कुछ नहीं है।
और फिर देखते हैं कोई आता है कि नहीं। इधर एक जॉम्बी स्पॉन हुआ नीचे, आसपास तो कभी कहीं कुछ नहीं है। और देखो मैं यहाँ आया अभी, वो पक्का आएंगे। देखो ये बड़ा वाला आ गया, ये इसलिए आया क्योंकि बाहर निकला। तो आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलना, आप पीछे जा सकते हो बट आगे इस डोर से बाहर मत निकलना। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अभी दिन हो गया तो काफ़ी जल्दी 5 मिनट में ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। मे बी ज़्यादा अगर टाइम आपका ख़राब मैंने किया तो उसके लिए सॉरी। मैं अभी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ और आप देखना कि कितने सारे जॉम्बी हमारा वेट कर रहे थे। वो सब बस वहाँ फ्रीज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्या इसके पीछे फंडा है। मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये बहुत अच्छा ग्लिच है या फिर जो भी आप समझो। और आप सब प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं और भी ट्रिक लाऊंगा।